अक्सर नौजवानों को कुरान नहीं आता। जब से इंस्टाग्राम फेसबुक की बीमारी आई है, कुरान पढ़ते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं जाता। मोबाइल का रिश्ता जिस्म से ऐसे जुड़ा हुआ, अगर मोबाइल घर के अंदर हो और वो नमाज में हो, फिर भी ऐसा महसूस होता है कि वाइब्रेट हो रहा है। जो रिश्ता कुरान के साथ होना चाहिए, आज मोबाइल के साथ है। खवातीन का भी हाल है। अब कितनी लड़कियां भाग गई, 10-10 साल की लड़कियां इश्क में पड़ी हुई है। 20 साल जिस माँ बाप ने खून पसीना एक करके इसको पाला पोसा बड़ा किया, एक लम्हे के लिए नहीं सोचती, अपने आशिक के साथ भाग जाती है। रोजाना भागती है। हजारों नौजवान फर्जी इश्कों में मुबतला है। शादीशुदा भी बचे हुए नहीं है। मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, अरे मक्खी भी नहीं मार सकता, चिपकली से खुद डरता है। कितनी लड़कियां मुर्तद हो गई, कितनी गैरों के पास है। सही इस्तेमाल करो तो जन्नत मिलेगी। गलत इस्तेमाल किया, यही मोबाइल जहन्नम में ले जाएगा। बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मूसा अलैहि सलातो सलाम की वालिदा ने रब का हुक्म माना, दरिया में फेंका। हम मकतब में नहीं पढ़ाते, स्कूल हम मना नहीं करते, स्कूल मत भेजो। वहां भी कहां कामयाबी है, कहां अच्छे डॉक्टर है हमारे पास। हमारी लड़कियां, हमारी औरतें गैरों के पास नंगी हो रही है। स्कूल भेजना हो, कोई टाई पहना रहा है, कोई सूज पहना रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है। इससे ज्यादा वजन तो दफ्तर का है, पीछे लटका के जाता है। मस्जिद में जाने वाला बच्चा, टोपी भी फटी हुई, एक जूता लाल दूसरा पीला, पारा भी उल्टा पकड़ा हुआ है। अरे मुंह तो धुला, इसका मौलवी धुला देगा। 2500 में मुंह भी धुला है, तनख्वाह बढ़ाओ इनकी। हमारी जन्नत ये लोग बनाते हैं। तुम्हारे बच्चों को ये लोग पढ़ाते, अगर ये पढ़ गए तुम मर जाओगे, ये तुम्हारे बच्चे कब्र पे आके 2 पारे पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। उलमा का एहतराम कहाँ है, कितने बेचारे परेशान है, 7000-6000 कहाँ घर चलेगा। जिनके पीछे नमाजें पढ़ते इनको जकात की किट खिलाते हम, हमें नहीं चलेगा, इमाम साहब को दे दो। मकतब में जाने वाला बच्चा कुरान यहां पकड़ता है, स्कूल में जाने वाला बच्चा दफ्तर पीछे लटकाता है। ये इशारा करता है, स्कूल में जाने वाला बच्चा कुरान में, मकतब में जाने वाला बच्चा स्कूल में जाने वाले बच्चे को इशारतन कहता है, मेरा इलम आगे आएगा, तेरा इलम पीछे ही रह जाएगा। नियत करो इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। दुनिया फानी है, हम सब चले जाएंगे दुनिया से। मूसा अलैहि सलातो सलाम की वालिदा ने अल्लाह पाक जल्ल शानू के हुक्म को पूरा फरमाया। कुरान करीम में मौजूद है, वाउहैना इला उम्मी मूसा अन अरदिही फइदा खिफ्ति अलैहि फअल्कीहि फिल यम्मि वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना रद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन।
ओ वालिद मूसा तूने मेरा हुक्म पूरा फरमाया, मैं खुदा कहता हूँ मैं तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलवाऊंगा। ओ वालिद मूसा तूने दरिया का गम न किया, मछलियों के पकड़ लेने का गम न किया, डूब जाने का गम न किया, तू परेशान न हुई, तूने मेरा हुक्म माना, मैं तेरे बच्चे को नबी बनाकर तेरी गोद में लौटाऊंगा। बोलो बेशक अल्लाह कादिर है, बोलो बेशक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में न जर्रा बराबर बेचैनी थी, न परेशानी थी, न तजब्जुब था, न किसी किस्म की तशवीश थी। दरिया में डाला, घर आ गई, मैंने रब के हवाले किया है, मैंने दरिया के हवाले नहीं किया। जो सारी कायनात को संभाल सकता है, क्या वो मेरे बच्चे को नहीं संभालेगा? वालिदा तो घर आ गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी, हमशीरा थी, वो दरिया के किनारे साथ साथ चल रही है। अब संदूक चल डूबता है तो बहन सब हकदा हो गया, अब विरासत में से कुछ देने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी बेच दी, अपना बंगला भी बना लिया, बहन झोंपड़े में रह रही है, मुझे क्या मतलब? मरेगा, कल मरेगा, कब्र में पता चलेगा। आग ही आग है, जलन ही जलन है, बुग्ज ही बुग्ज है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दरिया में डाला, न किसी किस्म की बेचैनी है, न किसी किस्म का तजब्जुब है, लेकिन बहन का दिल डोलता है जब संदूक चा डूबता है, जब तैर के आ जाता है सतह आप पे, तो दुखों की मारी हुई बहन को भी करार मिल जाता है। तैरता 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 उस सिमत चला जहां फिरौन का महल था, फिर संदूक चा उस नहर में दाखिल हो गया जो नहर फिरौन के महल के अंदर जाती थी। दौड़ी भागी बहन, आई, कहा अम्मा, कहा क्या हुआ? कहा जहां से बचाया था वहीं जा रहा है। कहा क्यों परेशान होती है? मैंने दरिया के हवाले नहीं किया, मैंने रब्बुल आलमीन के हवाले किया है। तैरता तैरता महल के करीब पहुंचा, फिरौन और उसकी बीवी आसिया खूबसूरत उठती हुई मौजों के खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। पानी के दोष में आता हुआ एक संदूकचा देखा, दिल में शौक और तजस्सुस की चिंगारी रोशन हुई कि देखा जाए पेटी के अंदर क्या है। गोतागरों को हुक्म दिया, संदूकचा बाहर निकालो। बाहर निकाला गया, खोला गया, एक खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा है। बोलो बचाने वाला कौन? अल्लाह। आसिया की जुबान से बेसाख्ता निकला, ये तो मेरे आंखों की ठंडक है। अल्लाह ने बाद में हजरत आसिया को ईमान दिया। उलमा ने लिखा है, नबी से किया हुआ प्यार कभी जाये नहीं जाता। अगर फिरौन कह देता ना ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ये न देखता इसने खुदाई का दावा किया है, अल्लाह देखता मेरे नबी से प्यार किया, अल्लाह इसे भी ईमान दे देता। खैर, इसका मुकद्दर नहीं था। फिरौन कहने लगा, यही वो मूसा है, दरबारियों को बुलाओ, कत्ल करवाऊंगा। हजरत आसिया गुस्से हो गई, कहने लगी, ला तक्तुलू असायनफअना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशुरून। हजरत आसिया कहने लगी, हजारों लाखों बच्चे कत्ल हो गए, कब से मूसा कत्ल हो गया, कब का बचा हुआ रखा है? तेरा दिमाग खराब है? अल्लाह ने मुझे कुदरती तौर पर औलाद दी है, तेरा बच्चा कोई नहीं, मेरा बच्चा कोई नहीं, कुर्रतु आइनी ली वलक, ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, तेरी भी आंखों की ठंडक है, ये मेरा बच्चा है, कोई इसे कत्ल नहीं कर सकता। और तू बता, इतना खूबसूरत बच्चा तूने देखा है? कहा नहीं, ये तो अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। ला तक्तुलू, फिरौन फिर कहने लगा, तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। हजरत आसिया कहने लगी, चल चल फालतू बातें मत कर। ला तक्तुलू असायनफअना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशुरून। अब कोई इसे कत्ल नहीं कर सकता, मैं अपनी जुबान से इसको बेटा कह उठाया, प्यार किया, सीने से लगाया, सीने में सुरूर आ गया। नबुव्वत तो बड़ी निराली होती है, प्यारी प्यारी उंगलियां आंखों में लगाई, आंखों में नूर उतर गया, बोसा दिया, लब ठहर गए, चारों तरफ ये खबर फैल गई। आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला।
लेकिन हजरत आसिया बड़ी परेशान है, बड़ी हैरान है। मूसा अलैहि सलातो सलाम किसी का दूध नहीं पीते। अल्लाह का कुरान कहता है वहर्रमना अलैहिल मरादिअ, सारी दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे रब ने हराम कर दिया। औरतें आती है, प्यार करती है, चूमती है, चाटती है, उछालती है, मूसा मेरा दूध पी ले, महल में आना जाना बन जाएगा, दुनिया सवर जाएंगी, माल मिलेगा, जायदाद मिलेंगी। लेकिन मूसा अलैहि सलाम ने किसी भी औरत की छाती को मुंह न लगाया। मूसा अलैहि सलाम की हमशीरा, मूसा अलैहि सलाम की बहन भी महल में आ गई, सारा मंजर देखती है। आसिया बड़ी परेशान है, मैं बच्चे को उठाती है, प्यार करती है, चूमती है, चाटती है, मूसा अलैहि सलाम किसी औरत का दूध नहीं पीते। हजरत आसिया, अरे मूसा अलैहि सलातो सलाम की बहन कहने लगी इध तमशी उख्तुका फतकुलु हल अदुल प्रोग्राम बना रहा है। कहा फिर तू खड़ी खड़ी तमाशा क्यों देख रही, इजाजत क्यों मांगते, देखती नहीं मैं कितना परेशान हूं। जा दौड़ती हुई जा उस खातून को बुला के ले आ। लौला अर्रबतना, कुरान में मूसा अलैहि सलातो सलाम की वालिदा के दिल को, बहन के दिल को अल्लाह ने अपने कब्जे में ले लिया था। कहीं ऐसा ना हो भाई को देखकर, बेटे को देखकर उछल कर कूद पड़े, सारा राज खुल जाता। महल में आई मूसा अलैहि सलातो सलाम की वालिदा, अल्लाह ने कहा था ना मैं तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलवाऊंगा, लेकिन दिल रब के कब्जे में था। बहाने बनाने लग गई वालिदे मूसा, मेरा घर बहुत दूर है, महलों में आने जाने की आदत नहीं है, गरीब हूँ, इतना दूर कैसे आऊंगी, बड़ी बड़ियों का दूध नहीं पिया, ये मेरा दूध कहाँ से पिएंगी, मेरा दूध कहाँ से पिएगा। हजरत आसिया कहने लगी बहन बहाने मत कर, फौरन अपने मेरे बच्चे को लखते जिगर को उठा दूध पिला। मूसा अलैहि सलातो सलाम की वालिदा ने अपने लखते जिगर को उठाया, सीने से लगाया, मूसा अलैहि सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन ने क्या कहा था, मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। रब ने कहा मुझे रब न कहना, तेरे दरबार में पाल के न दिखाया तो। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी।